हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फैक्टेक जी चैनल पर। मेरा नाम है विक्रम सिंह। दोस्तों, अगर आप भी अपने फ़ोन से घर बैठे ऑनलाइन अपने आधार कार्ड में एड्रेस चेंज करना चाहते हैं तो कैसे आप चेंज करेंगे, आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे। अगर दोस्तों आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो भी आप अपने आधार कार्ड में एड्रेस चेंज कर सकते हैं। उसका प्रोसेस क्या है आपको इस वीडियो में पूरा कंप्लीट हम बताए हैं, तो आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, तभी आपको समझ में आएगा। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें, क्योंकि ऐसे ही वीडियो रोजाना इस चैनल पर आती रहती है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आप अपने आधार कार्ड में ऑनलाइन एड्रेस चेंज करना चाहते हैं बिना डॉक्यूमेंट के, तो सबसे पहले आप अपने फ़ोन के किसी भी ब्राउज़र को ओपन कर लें। उसके बाद आपको सर्च बार में टाइप करना है myadhar.uidai.gov.in, लिख कर सर्च कर देना है। सर्च करते ही यहाँ पर आपको आधार कार्ड का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होकर आएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको किसी भी ऑप्शन पे क्लिक नहीं करना। आपको जो फर्स्ट में सबसे लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा है उस पर आपको क्लिक करना है। तो जो लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा है उस पर क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर सबसे ऊपर में इंटर आधार का ऑप्शन शो हो रहा है, तो वहाँ पर आपको आधार नंबर इंटर करना है, उसी का आधार नंबर इंटर करना है जिसका आपका एड्रेस चेंज करना है। तो यहाँ पर मैं आधार नंबर इंटर कर देता हूँ। उसके नीचे आपको कैप्चा शो हो रहा है, तो इस कैप्चा को देखकर सेम टू सेम आपको नीचे कैप्चा फिलअप कर देना है। अगर आपको कैप्चा समझ में नहीं आ रहा तो आपको राइट साइड में रिफ्रेश का बटन दे शो हो रहा होगा, उस पर आपको क्लिक करके रिफ्रेश कर लेना है। तो यहाँ पर मुझे कैप्चा समझ में आ रहा है, तो मैं देखकर सेम टू सेम फिलअप कर लेता हूँ। तो आपको कैप्चा फिलअप करने के बाद आपको नीचे सेंड ओटीपी का ऑप्शन शो हो रहा है, तो सेंड ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपके आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर एक एसएमएस जाएगा। उसमें आपको एक ओटीपी नंबर दिखेगा, उस ओटीपी नंबर को वहाँ से आपको देखकर यहाँ पर फिलअप कर देना है। फिलअप करने के बाद आपको जो नीचे लॉगिन का ऑप्शन शो हो रहा है उस पर आपको क्लिक करके लॉगिन कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए आपको ओटीपी सही सही फिलअप करना है। सही सही फिलअप करने के बाद लॉगिन पे क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस प्रकार का ऑप्शन शो होकर आएगा। तो आपको चेक करने के लिए सबसे ऊपर जो राइट साइड में दिख रहा है उस पर आपको क्लिक करना है, तो आपका आधार कार्ड शो कर देगा। उसके बाद आपको यहाँ पर अपडेट आधार ऑनलाइन का ऑप्शन जो शो हो रहा है उस पर आपको क्लिक कर देना है। अपडेट आधार ऑनलाइन के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने देखिए यहाँ पर कुछ इस प्रकार का ऑप्शन शो होगा। यहाँ पर आपका करंट डिटेल्स दिखाया जा रहा है, आपका जो अभी आधार कार्ड में एड्रेस है वो शो हो रहा है, और उसके नीचे डिटेल टू वी अपडेट लिखा हुआ दिख रहा है। वहाँ पर आपको उस एड्रेस को फिलअप करना है जिस एड्रेस पे आपको चेंज करना है, जो नया वाला आपका एड्रेस है उसे यहाँ पर आपको इंटर करके पूरा फिलअप कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं फटाफट एड्रेस फिलअप कर लेता हूँ, उसके बाद आपको आगे बताता हूँ क्या प्रोसेस करना है। तो यहाँ पर देखिए मैं जिस प्रकार से लाइन बाय लाइन एड्रेस फिलअप कर रहा हूँ, जो मेरा नया वाला एड्रेस है उसे मैं यहाँ पर फिलअप कर रहा हूँ, तो जो पुराने वाला एड्रेस है वो चेंज हो जाएगा। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप बिना डॉक्यूमेंट के भी यहाँ पर आधार कार्ड में एड्रेस चेंज कर सकते हैं, तो आपको एड्रेस चेंज करने के लिए आप जिस भी एरिया में अपना एड्रेस ट्रांसफ़र करवाना चाह रहे हैं तो उस एरिया के जो भी हेड है या प्रधान, या फिर आप शहर से हैं तो MLA MP जो भी है उससे आपको एक एड्रेस का सर्टिफिकेट लेना होता है। तो यहाँ पर लेकर आपको करना क्या है, आप अपने फ़ोन से एक फ़ोटो खींचकर अच्छे से क्रॉप करके कहीं सेव करके रख लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर देखिए डॉक्यूमेंट टाइप सेलेक्ट करने का ऑप्शन जो शो हो रहा है आपको स्क्रीन पर देखिए, तो उस पर आपको क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने देखिए यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन शो हो रहा है। अगर इसमें से आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट है तो आप अपलोड कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो जो आपको मैंने बोला लेने के लिए वो सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। अगर आप MP MLA के लिए तो ये सेलेक्ट करना होगा, और अगर आप कोई और लिए हैं तो उसे सेलेक्ट करना होगा। अगर आप विलेज पंचायत से हैं तो आपको ऊपर में जो दिख रहा सबसे ऊपर में वो सेलेक्ट करना होगा। मैं तो MP MLA से जो MLA का है वो लिए हैं तो ये सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये सेलेक्ट करने के बाद आपको उसी डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है जो आप सेलेक्ट किए हैं यहाँ पर। तो उसे अपलोड करने के लिए मैं यहाँ पर मैनुअल अपलोड पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करते ही यहाँ पर कंटिन्यू टू अपलोड का ऑप्शन शो हो रहा है, तो यहाँ पर कंटिन्यू कर देता हूँ। तो कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर देखिए फाइल का ऑप्शन शो हो रहा है,
उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आप अपने फाइल में कहाँ पर सेव करके रखे हैं वहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर मैं ढूंढ लेता हूँ कहाँ पर मैं सेव करके रखा हूँ, जो मैं MLA का लेकर आया हूँ वो मैं यहाँ पर फ़ोटो खींच कर रखा हूँ, तो उसे मैं यहाँ से सेलेक्ट करके अपलोड कर देता हूँ। तो जिस प्रकार से मैं यहाँ पर अपलोड कर रहा हूँ ठीक उसी प्रकार से आपको भी अपलोड करना है। तो यहाँ पर देखिए डॉक्यूमेंट के जगह मैं ये MLA रेसिडेंटियल को अपलोड कर दिया हूँ। तो अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पर अच्छे से अपना एड्रेस चेक कर लेना है कि सब ठीक है कि नहीं। तो अगर आपको लग रहा है कि ठीक है तो आपको यहाँ पर नीचे आना है, उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन शो होगा, यहाँ पर आपको दोबारा से एड्रेस चेक करने का बताएगा, तो आपको चेक कर लेना है यहाँ पर। तो देख लीजिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर एड्रेस आपको अच्छे से चेक कर लेना है, जिस भी एड्रेस में आप ट्रांसफ़र करवा रहे हैं वो एड्रेस शो हो रहा है यहाँ पर। अगर आपको लगता है कि गलत है तो आपको नीचे यहाँ पर पेंसिल का आइकन दिख रहा है, उस पर आपको क्लिक करके दोबारा से एडिट कर लेना है। अगर आपको लगता है कि ठीक है आपका एड्रेस जो है सही है, तो आपको नीचे जो दो ऑप्शन दिख रहा है उसे आपको टिक कर देना है। जिस प्रकार से देखिए मैं टिक कर रहा हूँ ठीक इसी प्रकार से टिक करके नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने देखिए यहाँ पर एक नया पेज ओपन होकर आएगा। तो दोस्तों आगे का प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर आपको ₹50 का पेमेंट करना होता है। ₹50 का पेमेंट करने के लिए आपको यहाँ पर टिक करना होगा, तो नीचे जो ऑप्शन दिख रहा है उस पर आपको टिक कर देना है। टिक करने के बाद मेक पेमेंट का ऑप्शन हो रहा है उस पर आपको क्लिक कर देना है। तो मेक पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने बहुत सारे पेमेंट के ऑप्शन ओपन होकर आ जाएगा। तो आप जिस भी तरीके से आप पेमेंट करना चाहते हैं उससे आप पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर पेटीएम, फ़ोनपे और भी बहुत कुछ है, आप अपने डेबिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अपने फ़ोनपे से पेमेंट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर देख लीजिए मैं फ़ोनपे से पे करके दिखा रहा हूँ आपको ₹50। तो यहाँ पर जिस प्रकार से मैं अपने फ़ोनपे से पेमेंट कर रहा हूँ ठीक उसी प्रकार से आप अपने किसी भी वॉलेट से आप पेमेंट कर सकते हो। वहाँ पर सारे पेमेंट के लिए सारे ऑप्शन अवेलेबल है। तो यहाँ पर देख लीजिए मैं पेड ₹15 सक्सेसफुल कर दिया हूँ, टाइम भी देख लीजिए आप। तो यहाँ पर मैं ₹50 पेड करने के बाद यहाँ पर मैं बैक आ जाऊँगा। बैक आने के बाद मैं यहाँ पर थोड़ा देर वेट कर लेना है आपको। यहाँ पर देखिए पेमेंट सक्सेसफुली कॉन्ग्रेचुलेसन लिखा हुआ दिख रहा है। तो इसके बाद ऑटोमेटिक ये आपको बैक करेगा, उसके बाद आपको यहाँ पर थोड़ा देर रुक जाना है। तो यहाँ पर 15 सेकेंड आपको वेट कर लेना है। 15 सेकेंड वेट करने के बाद आपके सामने एक ऑप्शन आएगा, इसका आपको स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना है। ऐसे ही ऐसे कोई काम आएगा नहीं, यहाँ पर आपका कंप्लीट हो गया है। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।